सात साल के बाद इस सरकार को दिन में अचानक सपना आया। उस दिन मान्यवर 9 मार्च की तारीख थी, चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान दिल्ली में एमसीडी इलेक्शन के लिए करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसी के ठीक पहले इनको सपने में आया कि एमसीडी का एकीकरण करना है, एमसीडी को एक करना है, और इन्होंने चिट्ठी भेज के चुनाव आयोग जैसी संस्था की निष्पक्षता को खत्म करने का काम किया है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि किसी सरकार ने चुनाव की तारीखों के ऐलान से रोका है। मानवर यह बिल एमसीडी के एकीकरण का बिल नहीं है, मानवर यह बिल केजरीवाल फोबिया बिल है। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संदेश सिंह मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं नहीं, डोंट गो इन द पर्सनल। क्या क्या बोला गया? डोंट मेक पर्सनल। क्या क्या बोला? डोंट मेक पर्सनल। मैं आ रहा हूं मुद्दे पे आ रहा हूं सर। मानवर ये केजरीवाल फोबिया बिल है, केजरीवाल से इनको डर लगता है, रात के सपने में इनको केजरीवाल आते हैं। मान्यवर उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण बिल लाया गया है। भय किस बात का? भाई चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? भय किसको है? हम एक व्यवस्थापन खड़ा करने के लिए 6 महीना मांग रहे हैं, तो बाद में हार जाओगे क्या? लोकप्रियता डाइल्यूट हो जाएगी क्या? यहां पर हूं तो अब संजय भाई ने कहा फोबिया हो गया है। संजय भाई की तरह भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता मान्यवर। आजकल कर मुझे 27 साल हो गए किसी न किसी विधायिका में रहते हुए, मैं इसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। परंतु सदन की मान्य भाषा में जवाब जरूर दूंगा और मेरा अधिकार है मान्यवर। उन्होंने कहा कि फोबिया हो गया है। अरे भाई फोबिया कैसे होगा, किसको होगा? आप हमारी डिपॉजिट जमानत का आधा डेटा लेकर आए, मैं दे देता हूं। बहुत इससे भी ज्यादा गई है हमारी जमानत, कोई नई बात नहीं है। मगर एक म्युनिसिपैलिटी जीतकर हम ऐसा नहीं कहते थे कांग्रेस को हमारा फोबिया हो गया है, ऐसा अहंकार हम नहीं पालते थे। हम भी देखे हैं समय भाई, बोटाद में हमारी म्युनिसिपैलिटी जनसंघ जीत गई तो आनंद हो जाता था, कह रहे भाई चलो एक बार म्युनिसिपैलिटी जीत गए। परंतु बाद में यहां आकर अटल जी ये नहीं कहते थे कि जवाहरलाल जी आपको अटल बिहारी वाजपेयी का फोबिया हो गया। अरविंद केजरीवाल से आपको डर लगता है, आपकी हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। 56 इंच का सीना लेके प्रधानमंत्री जी चुनाव छोड़ के भाग गए। केजरीवाल को रोकने के लिए कह रहे हमें एमसीडी चलानी है, एमसीडी चलानी है। संदेश सिंह मैं अरे क्या क्या बोला गया सर? नहीं नहीं, डोंट गो इन द पर्सनल। क्या क्या बोला गया? डोंट मेक पर्सनल। क्या क्या बोला? डोंट मेक पर्सनल। मैं आ रहा हूं मुद्दे पे आ रहा हूं सर। मान्यवर उन्होंने कहा कि केवल और केवल भय के कारण बिल लाया गया है। भय किस बात का? भाई चुनाव के हार का भय? हम तो लोकतंत्र में मानते हैं हार कभी भी किसी की भी हो सकती है, हमारी भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। किसी जनता जो तय करेगी वो जीतेगा, नहीं करेगी वो नहीं करेगा। मगर एक मैं छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, भय किसको है मान्यवर? क्यों अभी चुनाव कराना है? 6 महीने बाद करोगे तो हार जाओगे क्या? भय किसको है? हम एक व्यवस्थापन खड़ा करने के लिए 6 महीना मांग रहे हैं, तो बाद में हार जाओगे क्या? लोकप्रियता डाइल्यूट हो जाएगी क्या? चुनाव आ रहा है, जनता त्राही माम हो जाए और आप पार्टी को वोट दे। संजय भाई ऐसे स्वप्न कभी पूरे नहीं होंगे, जनता सब जानती है। जब ये एकीकरण हो जाए, डिलिमिटेशन हो जाए, आ जाइएगा चुनाव के मैदान में, कर लगेंगे दो दो हाथ। कोई नहीं डरता जी, कोई फोबिया नहीं, जरा भी नहीं डरते मान्यवर।